फिरोजाबाद से खबर है जहां पर आगामी त्यौहार गंगा दशहरा और ईद उल जुहा यानी कि बकरीद को ध्यान में रखते हुए कोतवाली परिसर में एसपी ग्रामीण की अध्यक्षता में शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी सहित तहसील स्तरीय सभी अधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों से गंगा दशहरा और बकरीद का पर्व हर्षोल्लास के साथ उत्साह पूर्वक भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया। जरूरी है देखने की कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये लोग जो प्लेसेस हैं जहाँ पे इस तरह की कुर्बानी दी जानी है वो जरूर आइडेंटिफाई हो जाए, उनका डाटा हमारे साथ शेयर हो जाए। और दूसरा कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे जो स्नान की चीज़ें हैं वो होनी है, तो वो डाटा भी हमारे साथ शेयर हो जाए, ताकि हम वहाँ पे अपनी तहसील के स्तर से भी कुछ लेखपाल या वहाँ पे जो सचिव वगैरह हैं उनको भी उस ड्यूटी में शामिल कर दें, तो एक कम्बाइंड ड्यूटी रहेगी। दूसरा, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जो हमारा शासन है और प्रशासन है उसकी जो एक सबसे कोर कट लाइन है वो ये है, जो भी परंपरागत तरीके से होता आया है वही आपको करना है। कोई भी नई चीज़ जब तक शासन उसे परमिट नहीं करेगा आप लोगों को नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इस सब में हमारी भी सहमति है और हमसे आप सब भी सहमत हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं है इस बात? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, ये सबसे अच्छी बात यही है कि जो हमारा होता है हमें वही करना है, ये पहली लाइन है और यही कोर लाइन है, इसी लाइन पर हमें जाना है। अब उसमें जो चीज़ें हमें आगे करनी है वो ये है कि थ्रू आउट द एक्सपीरियंसेस हम हर बार जब करते हैं त्यौहार मनाते हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम फेस करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमारे ईओ साहब बैठे हुए हैं, दोनों ईओ ये बात इंश्योर कर लें भाई। हाँ, तो चेयरमैन साहब हैं तो और अच्छी बात है। तो ईओ साहब ये जरूर देख लें कि आप किसी के भरोसे उसको डिसेंट्रलाइज ना करें, खासकर अभी फिलहाल जब ये है सारी लोकेशंस आप लोग खुद विजिट करेंगे और खुद ही जाके फोटो के साथ हमें आप अपडेट करेंगे कि साहब वहाँ की ये स्थिति है। जो SDO हाइडल है वो भी आप खुद जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि तारों की क्या स्थिति है, वहाँ पे लाइट का क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है, यदि वहाँ से कुछ भी निकलता है तो क्या स्थिति खराब होगी या बिगड़ेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ ही आप हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये दूसरा जो माइनर इरीगेशन से आए हैं, देखिए आगामी जो दो बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार हैं इसके आयोजन को लेकर के आज यहाँ सुखोहाबाद में SDM सुखोहाबाद साहब और मेरे द्वारा ये यहाँ के सभी सम्मानित लोगों के साथ बैठक की गई है, और जो इस त्यौहारों के अवसर पर जो व्यवस्थाएँ होनी है उसके संबंध में चर्चा की गई है। हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं, ईओ साहब हमारे साथ हैं, हमारे जो SDO साहब बिजली के हैं, ये हैं, सभी लोग बैठ करके यहाँ पे इस सुखोहाबाद कस्बे में व्यवस्थाएँ कैसे अच्छी तरह से हो, साफ सफाई की व्यवस्था कैसे अच्छे तरीके से हो, उसके बाद पानी की सप्लाई, उसके अतिरिक्त जो बाकी अन्य समस्याएँ हैं उनको कैसे अच्छी तरह से हम लोग आज बैठ करके डिस्कस करके समाधान करा लें, ताकि जो आगामी दो त्यौहार हैं उसको सकुशल मिलाए। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, सुझावों को नोट कर लिया गया है और जो 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 शासन के जो निर्देश हैं उसको हम लोगों ने सब लोगों से अवगत करा दिया है। मुख्य रूप से उसमें कोई गैर परंपरागत आयोजन नहीं होने हैं और ये चीज़ें उन सब लोगों ने सहमति अपनी दी है और हम सब मिल करके आगामी त्यौहार को जीवन से। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट।